नमस्कार, बिहार की आवाज़ के साथ मैं चंदन कुमार। अभी हम जननायक की धरती समस्तीपुर में है। यहाँ मंडल कमीशन की बात की गई है, अति पिछड़ा पिछड़ा की बात की गई है। तो हम एच ए आदर से जानेंगे कि जातीय जनगणना होने से क्या सब फायदा होंगे प्रदेश को। सुबह को देखिए, हमें हमारी संख्या जानना जरूरी है जी। बिहार में किस जाति की क्या संख्या है जी? क्या योजनाएं उनके लिए जरूरी है? कितना पैसा आवंटन होगा? जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा, हम समाज को ऊपर कैसे उठा सकते हैं? जातीय जनगणना की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शुरू से कर रहे हैं, और हमारे समाज में हर जाति की संख्या जानना जरूरी है ताकि सामाजिक न्याय हो सके, हर योजनाएं उन तक पहुंच सके और समाज के जो निचले पैदान पे लोग हैं इन्हें ऊपर उठाया जाए। इसीलिए एक और बात है कि जितनी भी आरक्षित पद है इसमें जो रिक्त पद है उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? उसकी संख्या चाहिए। भारतीय जिंदाबाद। मंडल आयोग की जो बात की गई, मंडल आयोग अभी तक कितना सक्सेस है? मंडल आयोग की भी जो शेष बातें हैं वो सब लागू करना होगा। और आज जो हम लोग कर्पूरी जी की धरती पे जुटे हैं इसी के लिए कि सामाजिक न्याय हो सके, जनगणना हो, जाति जनगणना हो सके, अतिरिक्त पद जो आरक्षित है भरा जा सके और जो मंडल आयोग का जो शेष बचा हुआ है वो पूरा किया जा सके। प्रतिनिधि से मिले हैं, अपनी बातों को रखे हैं। जो हम लोग का प्रदेश से निर्देश था उसका पालन करते हुए हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। उम्मीद में भरोसा है कि आगे कार्रवाई लोग करवाएंगे।